कल इसका हमारा ये वाला जो पार्ट था इंट्रोडक्शन वाला वो कंप्लीट हो गया था। कुछ चीजें जो मैंने बताई थी वो याद रखना, जैसे मैंने कल लोड करके लिखाया था वो आपका यहाँ हेल्प करेगा। जैसे आई इमेजिनरी नंबर रूट कितना आएगा माइनस का वन, आई स्क्वायर आपका कितना हो रहा था इसका अगर स्क्वायर कर दिया जाएगा तो माइनस का वन, आई की पावर थ्री आपका कितना आएगा माइनस का आई, ओके, और आई की पावर फोर करने पर इसमें चेंज हो जाएगा ये प्लस में, ठीक है। एक चीज और यहां याद रखना, अगर आई की पावर माइनस का वन कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा वन अपॉन आई, और कभी भी जो इमेजिनरी नंबर होगा वो डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में नहीं होगा तो इसमें क्या करेंगे रैशनलाइज वाला जो आइडेंटिटी लगाते थे 9 10 में वही लगाएंगे, ऊपर भी आई का मल्टीप्लाई नीचे भी आई का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा आई और नीचे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की प्लेस पर आप कितना रख सकते हैं माइनस का वन, देन ये कितना हो जाएगा माइनस का वन, और वन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आपका निकल के आएगा माइनस का आई। तो ये भी याद रखना, आई अगर नेगेटिव हो अगर इसका इनवर्स हो तो ये कितना आएगा इसका माइनस का आई। तो ये पांच आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसमें पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सप्रेस सॉरी एक्सरसाइज 1 टू 10 इन द फॉर्म ए प्लस आई बी। अब जो भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे, इस फॉर्मेट जेड इक्वल में ए प्लस आई बी, जो भी आंसर आएगा आपको उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिखना है। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, अगर बोला तो पूरी यूनिट ही सिंपल है, बस आपको जो हम करते आते थे वही यहाँ पर करेंगे जो हमने 9th और 10th में पढ़ते थे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इमेजिनरी नंबर का इमेजिनरी नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, 5i मल्टीप्लाई 3y 5i, तो रियल नंबर का मल्टीप्लाई रियल नंबर से होगा और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई इमेजिनरी नंबर से होगा, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा माइनस 3 अपॉन 5 से होगा और इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लाई आई का मल्टीप्लाई आई के साथ होगा। यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3 और आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, ओके। ब्रैकेट में अभी हमने बताया था आई स्क्वायर की प्लेस पर आपका कितना आएगा माइनस का 1, सो यहाँ पुट कर देंगे इसकी प्लेस पर तो माइनस का 3 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा प्लस का 3। अब मुझे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि आपको ए प्लस आई बी की फॉर्म में ही लिखना है, तो फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉर्म दी गई है जेड इक्वल ए प्लस आई बी, तो यहाँ आपका रियल नंबर का तो पार्ट है इमेजिनरी नंबर का नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर का जो पार्ट नहीं होगा उसको आप जीरो से डिनोट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आई जीरो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस जीरो आई, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, सिंपल है, एक बार आप लोग भी इसको ट्राई करें, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। अब इसको याद रखना, इसको जब भी पावर 4 या 4 से ग्रेटर आएगी तो हम कोशिश करेंगे उसको 4 की पावर में ब्रेक करने के लिए, क्योंकि क्या बनेगा अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि आई की पावर 4 जो होगा वो कितना आएगा प्लस का 1, और जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं इवन कितनी भी उसकी पावर लगाते हैं वो क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे। तो आई की पावर 9 है यहाँ पर तो इसको हम तोड़ेंगे 4 के पार्ट्स में, तो आई की पावर 2 आई की पावर 4 का स्क्वायर, 4 टू कितना 8, एक आई बचेगा आपका प्लस आई पर 19, जब 19 में 4 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स जाएगा लगभग 24 टाइम्स चला जाएगा, तो आई की पावर 4 और उसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 24। अब रिमेनिंग आपका कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो आई की पावर 3 यहाँ से आपका बच गया, 24 4 जा 96, तो यहाँ से आई की पावर 3 आपका रिमेनिंग बच जाएगा। अब देखो आई की पावर 4 पे यहाँ ब्रैकेट में लिखते चलना, सिंस आई की पावर 4 आप कितना लिखेंगे प्लस का 1, तो आई की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे प्लस का 1 मल्टीप्लाई कितने से आई से, प्लस आई की पावर 4 यहाँ भी आप कितना प्लेस करेंगे प्लस का
वन, तो पावर कितनी 24। यहाँ आई और थ्री आपका अभी रिमेनिंग में है। अब आई का स्क्वायर भी कितना होगा, सॉरी वन का स्क्वायर कितना होगा, वन इंटू आई, यहाँ पर कितना बन गया 24 भी कितना होगा, वन इंटू आई की पावर 3। अब ये कितना हो जाएगा आई और ये कितना हो जाएगा आई की पावर 3। ओके, तो आई आपका कितना आई रहेगा और आई की पावर 3, अभी मैंने आइडेंटिटी बताया था आई पावर 3 कितना होगा, आई पावर 3 कितना होता है माइनस का आई, तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे माइनस का आई, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 0। लेकिन आपको किस फॉर्मेट में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो इसका फॉर्म क्या होगा, फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ना तो यहाँ रियल नंबर का पार्ट है और ना ही इमेजिनरी नंबर का पार्ट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है 0 प्लस 0 आई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वही मैंने लास्ट वाला बताया था नेगेटिव पार्ट है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, आई की पावर माइनस का 39 पावर पहले हटाएंगे, तो इसको हम कितना लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 39। ओके, अब इसको भी इसी के फॉर्मेट में 4 की पावर में ब्रेक करेंगे, 39 में जब 4 से डिवाइड देंगे कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स, और 3 रिमेनिंग बचेगा, तो यहां से इसको हम कितना लिखेंगे 1 अपॉन आई की पावर 4 और उसकी पावर होल कितनी 9 और आई की पावर 3 आपका क्या बच जाएगा रिमेनिंग। ओके, आई पर 4 के प्लेस पर कितना आ जाएगा प्लस का 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा आई पर 4 1 की पावर 9 इंटू आई की पावर 3। अब 1 का भी अभी बताया था 1 की पावर कितनी भी की जाए कितना रहेगा 1 ही रहेगा इवन, तो 1 अपॉन 1 और आई की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन आई की पावर 3। अब आई पावर 3 की जगह यहाँ देखिए आई पावर 3 आपको कितना प्लॉट कर सकते हैं माइनस का आई। ओके, अब ये माइनस है यहाँ पर, इस माइनस में क्या करेंगे डिनोमिनेटर में माइनस का 1 अपॉन आई लिखा है, तो ऊपर और नीचे दोनों से माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ और यहाँ, तो ये माइनस इसमें चेंज हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा माइनस के 1 अपॉन आई। अब क्योंकि मैंने बताया था कभी भी इमेजिनरी नंबर पार्ट को नीचे नहीं रखते हैं, तो यहां पर ऊपर भी आई का मल्टीप्लाई और नीचे भी आई से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का आई और नीचे कितना हो जाएगा आई का स्क्वायर। ओके, अब आई स्क्वायर की प्लेस पर आप कितना रखते हैं माइनस का वन पुट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का आई अपॉन में माइनस का वन, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा आपका वन का डिवाइड जब आई में देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आई, और कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म जेड इक्वल, अब क्योंकि यहाँ पर रियल पार्ट है नहीं तो ये कितना होगा 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पर आई, देन आपके 3 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, जल्दी से आप लोग नोट करिए ना, फिर चलते हैं आगे। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 प्लस आई 7 5 1 माइनस आई माइनस प्लस आई 6। चलिए 4 और 5 पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां क्या करेंगे दिख ही रहा होगा आपको, पहले पूरा सॉल्व करेंगे और इसका कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, तो देन उसके बाद हम प्लस कर देंगे 3 7 प्लस आई 7 आई 7 प्लस आई 7 3 7 जाए 21, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जाए 21 आई, ये कितना हो जाएगा 7 आई और ये कितना हो जाएगा 7 आई स्क्वायर। ओके, अब यहां देखो 21 आई और 7 आई, ये आपका कितना हो जाएगा 28 आई प्लस 7 आई
स्क्वायर, सॉरी हाँ यहाँ पर स्क्वायर। अब स्क्वायर की प्लेस पर आप कितना रख, यहाँ पर लिखेंगे आई स्क्वायर की प्लेस पर कितना आएगा माइनस का वन आ जाएगा, तो यहाँ रखेंगे जब इसको पुट करेंगे यहाँ पर तो 28i प्लस 7 इंटू माइनस का वन, तो ये कितना सॉल्व होके आएगा यहाँ पर माइनस का 7 और 21 में जब 7 माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा 14 प्लस 28i। देखिए ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है आपका, यही आंसर हो जाएगा, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जेड इक्वल 14 प्लस 28i। ओके चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यही है सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा माइनस प्लस लगा हुआ है। यहाँ कितना वन माइनस आई, माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर वाले सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा प्लस का वन माइनस का आई सिक्स, वन ओवर कितने हो जाएंगे टू और माइनस सिक्स आई ये कितने हो जाएंगे सेवन आई, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसका क्या हो जाएगा यही रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म जेड इक्वल टू प्लस माइनस सेवन आई, दैट्स अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सॉल्व हो गए, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आप लोगों ने सॉल्व किए, चलिए देखिए अपना आंसर मिलाइए इनसे। यहां माइनस है तो इसमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, बस इसको ही सॉल्व करना है, तो 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा आई 5/2। ओके रियल नंबर के पार्ट को रियल नंबर के पार्ट के पास लाएंगे और इमेजिनरी नंबर के पार्ट को इमेजिनरी नंबर के पार्ट के पास लेके जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/5 माइनस का 4, ये आपका सॉल्व हुआ इधर, और यहाँ कितना आ जाएगा आई 2/5 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा आई 5/2, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका कितना आएगा, डायरेक्टली सॉल्व करें 5/4 20, ये कितना आ जाएगा 1 - 20/5, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 10, ये कितना हो जाएगा 5 - 10 2 - 4i माइनस 2 - 5 - 10 ये कितना हो जाएगा 25i, देन इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 19/5 और जी कितना आ जाएगा यहाँ से 25 में से माइनस कर देंगे इसको तो माइनस के 21i/10, यही इसका फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। माइनस अगर माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में अगर इसको लिखना हो 19/5 प्लस 21i/10, और माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो फिर यही बना रहेगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे देन उसके बाद ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है 1/3 प्लस आई 7/3 प्लस 4 आई 1/3 और लास्ट में कितना लिखा हुआ है माइनस का 4/3 प्लस का आई, तो यहाँ देखो 1/3 और प्लस 4 रियल नंबर के पार्ट को रियल नंबर के पार्ट से ऐड कर देंगे तो ये कितना 1/3 प्लस 4 होगा और ये कितना होगा आई 7/3 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस का आई। यहाँ इसको डायरेक्टली सॉल्व करना, अब तो बड़े हो गए तुम लोग, 3 * 4 = 12 / 13/3 और ये कितना पार्ट रहेगा इनका एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, डायरेक्ट सॉल्व करते 7i और 1i कितने हो जाएंगे 8i अपॉन में कितना 3, ठीक है। अब यहाँ देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, अंदर क्या हो जाएगा प्लस 4/3 और माइनस का आई, अब इसको सॉल्व कर लो देन 13/3 प्लस का 4/3 और ये कितना हो जाएगा 8i अपॉन 3 और माइनस का आई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना है सेम रहेगा तो ऊपर ऐड हो जाएगा 17/13 / 4 17/3 और ये कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 8i माइनस का 3i अपॉन में कितना रहेगा 3, देन 17/3 और प्लस 5i अपॉन में 3। ओके ये इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म
जेड इक्वल कितना आ जाएगा 17 अपॉन 3 प्लस 5 पाई अपॉन में 3, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सिंपल थे, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग पहले इनको ट्राई करें, यहाँ ए प्लस बाई ए प्लस बी का होल क्यू लगेगा, यहाँ ए माइनस बी का होल क्यू लगेगा, तो यहाँ ए माइनस बी की ओवर पो, इसको आप 2 की पावर में भी ब्रेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको आइडेंटिटी ये वाली याद हो ए माइनस बी की पावर 4, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 4 ए बी क्यूब और प्लस कितना आ जाएगा बी की पावर 4, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वाली याद नहीं है तो आप इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उससे ही करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और बी की वैल्यू कितनी गिवन है आई, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सबसे पहले इसको ब्रेक कर लो, 1 माइनस आई की पावर 2 और उसकी होल पावर 2, तो पहले इसको सॉल्व कर लो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर माइनस 2i। तो यहाँ आई स्क्वायर की प्लेस पर आप कितना रखेंगे, मालूम है माइनस का 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितना रहेगा 1 ही रहेगा, और आई स्क्वायर की प्लेस पर कितना आ जाएगा 1, तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की प्लेस पर माइनस 1, ये क्या आपका प्लस और ये कितना माइनस का 2i, तो माइनस प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आपका कितना माइनस 2i। तो जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 4i स्क्वायर, फिर से आई स्क्वायर की प्लेस पर कितना पुट करेंगे माइनस का 1, तो आ जाएगा माइनस का 4। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जेड इक्वल माइनस 4 प्लस 0 i, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 सॉल्व हो गया। 9 वाला देखिए, यहाँ ए प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3a² b और 3ab² ठीक है। चलिए देखिए, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी ये बने 1/3, b की वैल्यू कितनी है 3i, तो ये वैल्यू रखना आपको बस ओनली, तो ए क्यूब की जगह पे कितना आ जाएगा 1/3 का क्यूब, बी क्यूब की जगह 3i का क्यूब और ये कितना 3, ए की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 3i प्लस 3, ए की वैल्यू 1/3 और बी की वैल्यू 3i का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 1/3 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1/27, 3 का क्यूब 27i³, यहाँ कितना होगा 3, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 और ये आ जाएगा आपका 3i। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो 3 से 3 आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बचेगा 9i² ओके। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये सिंपल, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और कितना आ जाएगा 1/27 प्लस 27, अब आई क्यूब की प्लेस पर आप कितना लिख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, सिंस आई क्यूब कितना लिखेंगे माइनस का आई, शुरुआत से हम करते हैं आई, तो कितना आ जाएगा माइनस का आई प्लस ये कितना आ जाएगा 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा सिंपल आई बचेगा ओनली आपको, और प्लस का 9i², अब आई स्क्वायर की प्लेस पर भी आप कितना लिखेंगे माइनस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1, 1/27 आई का से मल्टीप्लाई होगा 27i प्लस आई और माइनस का 9। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/27 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा रियल नंबर का पार्ट, रियल नंबर के पास 27 से i माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 26i। अब इस पार्ट को पहले सॉल्व आउट कर लो, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 27 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 7 10 63, कैरी कितनी 6, 9 2 18 6, 243, ये कितना हो जाएगा 1 - 243 अपॉन में 27, माइनस का कितना 26i, ठीक है।
इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 242 अपॉन में 27 और माइनस का 26 आई, यही आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 मैं थोड़ी हिंट दूंगा, बाकी आप लोगों को अब सॉल्व करना, ठीक है। चलिए देखिए, सेम वही क्वेश्चन है, यहां लिख दे रहा हूं -2 1/3 आई की पावर 3। तो यहां से क्या करेंगे, माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे, बच्चों को दिक्कत होती है माइनस से, तो माइनस ब्रैकेट से पहले बाहर कॉमन ले लो, कितना बचेगा 2 + 1/3 आई, और ये क्या हो जाएगा, इसका क्यूब हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन बन गया आपका, अब इसमें आइडेंटिटी पुट कर दीजिए, ठीक है, बता दूं, चलो ठीक है बता देते। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दो, मैं लिख दूँ एक बार फिर से, यहाँ ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 1/3 आई, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब, बी क्यूब, 3a² b 3ab² वैल्यू रख दो, याद रखना माइनस अभी के ब्रैकेट से बाहर चल रहा है, ठीक है, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस ले लेंगे। ए क्यूब कितना 2 का क्यूब 2 क्यूब, ये कितना 1/3 आई का क्यूब, 3 * a कितना है 2 का स्क्वायर, बी कितना है 1/3 आई प्लस 3 * 2 * 1/3 आई का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, 2 का क्यूब कितना 8, 1/3 कितना 1/27 क्यूब आई क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4, और आई का मल्टीप्लाई होके आई हो जाएगा यहाँ पर, 3 से अभी कैंसिल ही करेंगे क्योंकि ये 9 होगा, उसके बाद कर देंगे, ठीक है, तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, 3 * 2 = 6, और ये कितना होगा 1/9 आई स्क्वायर, ओके। चलिए यहाँ देखिए, -8 + 1/27 आई क्यूब की प्लेस पर कितना आ जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे, सिंस आई क्यूब कितना माइनस का आई और आई स्क्वायर कितना माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा माइनस का आई, ये कितना आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है 4i, और ये यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, 3 * 2 = 6, 3 * 3 = 9 + 2/3 आई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 8 माइनस का मल्टीप्लाई होगा 2 * 27i + 4i + 2 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होगा, कितना हो जाएगा, ये भी 2/3। अब इसका रियल नंबर का पार्ट रियल नंबर के पास आ जाएगा, तो 8 - 2/3 ये इधर सॉल्व हो जाएगा, इधर 1 - 27i + 4y सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 * 8 से मल्टीप्लाई 24 से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 22/3 और 27 * 4 जाए कितने होंगे 108 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका प्लस का 107/27i, ओके, और ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके 1 to 10 क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन 4, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मॉडुलस है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसमें 4 क्वेश्चन बचे हैं, देखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है जो 10 तक हमारे कंप्लीट हो गए, ये है क्वेश्चन नंबर 11 और ये 12 13, इसके बाद एक क्वेश्चन रह जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 आपका, ठीक है। बाकी के 10 क्वेश्चन जो हमने किए थे वो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, पहला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जैसे आपका मल्टीप्लाई जेड है तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा 1/z, जैसे 2 है, 2 का अगर मैं बोलूं इनवर्स क्या होगा तो 2 का इनवर्स होगा 1/2। इसी प्रकार से जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं तो ये भी जो फंक्शन है आपका जो किस फॉर्मेट में लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर,
ये कितना लिखा हुआ है, जेड इक्वल 4 माइनस का 3i। जब इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो किस फॉर्मेट में लिखेंगे, रेसिप्रोकल 1 अपॉन जेड, इसका भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस का 3i। तो क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बताया था 1 अपॉन 4 माइनस 3i कभी भी आयोटा जो नंबर होता है नीचे नहीं लिखते, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस 3i, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3i। अगर यहाँ सिंबल माइनस का होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड इक्वल कितना निकल के आएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपल, 4 प्लस 3i का 1 से मल्टीप्लाई, और नीचे कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3i और 4 प्लस 3i। इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे आप लोग, 4 प्लस 3i तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3i, 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो जाएगा 3i स्क्वायर। और आपको आइडेंटिटी बताई थी i स्क्वायर, आप कितना लिख सकते हो, माइनस का वन, तो i स्क्वायर की प्लेस पर आपका कितना आ जाएगा, 9 माइनस 1, तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो 16 प्लस 9 कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस 3i अपॉन में 25। इसको अगर डिवाइड कर देंगे दोनों के डिनोमिनेटर में, तो ये 4 अपॉन 25 प्लस 3i अपॉन 25 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आपका सॉल्यूशन ये है, अगर आपको जैसा बुक में दिया गया उस तरीके से सॉल्व करना, जैसे जेड इनवर्स इक्वल जेड बार अपॉन में जेड का मॉडुलस, इस तरीके से सॉल्व करना, तो इस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं ये वाला सवाल आपको बता दे रहा हूँ, बाकी का आप इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि ये वाला मेथड ज़्यादा सिंपल रहता है। अगर जेड इनवर्स सॉल्व करने जाएंगे, देखिए जेड क्या है, यहाँ पर 4 माइनस 3i, जब इसका हम जेड बार फाइंड करते हैं, तो ये माइनस का सिंबल किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3i। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना होगा, जब मॉडुलस निकालते हैं तो ये सिर्फ इसका कॉन्स्टेंट पार्ट लेते हैं, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक इमेजिनरी नंबर यहाँ कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25। देन इसी इक्वेशन में जो आपकी दी गई है यहाँ पर, इसमें पुट कर दीजिए, तो जेड इनवर्स यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, जेड बॉर कितना है 4 प्लस 3i, और अपॉन में कितना आ जाएगा 25। तो जैसे आपको सॉल्यूशन करना है उस तरीके से आप कर सकते हो, दोनों मेथड ईजी है आपके, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो जाता है। दर्शक नेक्स्ट क्वेश्चन 12 भी वही है, जेड इक्वल कितना गिवन है, √5 प्लस 3i, तो कितना निकालेंगे दर्शक, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन √5 प्लस 3i, इसका रेशनलाइज कर देंगे √5 माइनस 3i, और सिंपल न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा √5 माइनस 3i, और नीचे आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं 1 अपॉन जेड √5 माइनस 3i, √5 का स्क्वायर, अगर रूट ए का स्क्वायर करते हैं कितना आएगा, ए आता है तो √5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5, 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9i स्क्वायर, और i स्क्वायर की प्लेस पर आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1, तो 1 अपॉन जेड यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा √5 माइनस 3i 5 माइनस 9 और माइनस का 1, तो √5 माइनस 3i अपॉन में कितना आ जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा √5 माइनस 3i अपॉन में 14। अगर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे दोनों पार्ट में, तो √5 अपॉन 14 और माइनस के 3i अपॉन में 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यहां ओनली इतना ही गिवन है माइनस का i, ठीक है, तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन जेड इक्वल 1 माइनस i, कभी भी आयोटा यहाँ निगेटिव नहीं रखेंगे, ऊपर इसका सेंड कर देंगे माइनस, तो माइनस का 1 अपॉन i हो जाएगा, और यहाँ ऊपर नीचे i का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो वन अपॉन जेड इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस का आई और नीचे आई और आई का मल्टीप्लाई आई स्क्वायर, ब्रैकेट में सिंस आई स्क्वायर इक्वल कितना माइनस का वन, तो वन अपॉन जेड इक्वल कितना आएगा माइनस का आई, तो ये रखा है आई स्क्वायर प्लेस पर माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपली आई। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 बचा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ए प्लस बी, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना है, इस पर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन है 3 प्लस आई रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस आई रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस रूट 3 माइनस आई रूट 2। तो सिंपल जिस प्रकार से आप लोग रैशनल नंबर या सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ऊपर a प्लस बी और कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी, तो यहाँ इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, चाहो तो यहाँ लिख देना ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी, क्या आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आप लोग ब्रैकेट में इधर लिख दिया करें, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई रूट 5 का स्क्वायर, नीचे देखिए क्योंकि नीचे भी a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा था लेकिन यहाँ क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ, तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 आई माइनस का से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के रूट और प्लस का कितना हो जाएगा आई रूट 2, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल आउट, 3 का स्क्वायर कितना 9 और यहाँ कितना आ जाएगा आप लोगों का रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 और आई का कितना हो जाएगा आई स्क्वायर, और यहाँ सिंस आई स्क्वायर आप कितना लिख सकते हैं माइनस का बन, नीचे आपका कितना बचेगा रूट टू आई और रूट टू आई, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करो, चाहे आई रूट टू लिखा हो या रूट टू आई लिखा हो दोनों एक ही होता है, ठीक है। रूट टू आई और प्लस आई रूट टू ये कितना हो जाएगा आपका, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और नीचे कितना हो जाएगा 2 रूट 2 आई, आप ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये कितना हो जाएगा 9 5 प्लस 14 और नीचे ये कितना आएगा आई का आई से मल्टीप्लाई 2 रूट आई स्क्वायर, अब आई स्क्वायर प्लेस पर आप कितना लिख सकते हैं माइनस का वन, फिर से लिखेंगे यहाँ पर कितना आएगा 14 अपॉन 2 रूट 2 माइनस वन, 2 का अगर मल्टीप्लाई ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, तो इसका आंसर आएगा 7 आई अपॉन में रूट 2 और ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 1 टू 14 सॉल्व हो गए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है।